कोड क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, 6 अंकों का ही क्यों होता है, ये है जीके इन हिंदी। दोस्तों, पिन कोड के बारे में कौन नहीं जानता, ऐसा क्या है जो पिन कोड में 1048 साल के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम जानेंगे पिन कोड के बारे में वो सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी हो या नहीं लिखी हो, लेकिन पिन कोड का उपयोग जरूर किया होगा। प्ले स्कूल का फॉर्म भरने से लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक हर दस्तावेज में पिन कोड का उल्लेख करना ही पड़ता है। सवाल यह है कि आखिर पिन कोड नाम की चीज क्या है, इस चिड़िया में ऐसा क्या है जो हर डाल पर बैठती दिखती है, इसे किसने बनाया है और क्यों बनाया है, पिन कोड या चिप कोड में 6 अंक ही क्यों होते हैं, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं। तो आइए दोस्तों, पिन कोड और जिप कोड की फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं। पिन कोड या जिप कोड का उपयोग सभी करते हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो इसके फुल फॉर्म जानते हैं। हालांकि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न आता रहता है, इसलिए याद होना कि पिन कोड का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर और जिप कोड का फुल फॉर्म जून इम्प्रूवमेंट प्लान होता है, ये याद होना आप लोगों को जरूरी है। पिन कोड किसने बनाया, कब बनाया। भारत में पिन कोड की शुरुआत का श्रेय श्री राम बीकाजी बेलनेकर को जाता है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 972 से हुई थी। भारतीय डाक विभाग कोड तथा हर अंक का अपना अलग अलग महत्व होता है। पिन कोड 6 अंकों का क्या अर्थ है, ये हम लोग जानेंगे। पिन कोड के 6 अंकों में प्रत्येक अंक का अपना अलग महत्व होता है। पहला अंक भौगोलिक दशा को दर्शाता है। इसमें देश को कुल 9 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 से लेकर 8 भौगोलिक क्षेत्र तथा संख्या 9 सेना की डाक सेवा को दी गई है। तो इस प्रकार की पिन कोड की पहली संख्या, फर्स्ट नंबर पर जो संख्या होती है वो क्षेत्र को दर्शाती है, सेकंड नंबर पर जो होती है सब जून, और थर्ड नंबर पर डिस्ट्रिक्ट को दर्शाती है, जबकि आखिरी 3 संख्याएं उस जिले के विशिष्ट डाकघर को दर्शाती है। पिन कोड का पैटर्न कितनी बार बदला गया है, सबसे मज़ेदार बात यह है कि पिन कोड पिछले 1000 सालों में, जबकि वाहनों के नंबर, टेलीफोन, घर, मोहल्ले और कॉलोनियों के नंबर, यहां तक कि भारतीय मुद्रा नोट के नंबर तक बदल गए, लेकिन डाक विभाग का पिन कोड कभी नहीं बदला। नए नए शहर, डाकघर, मोहल्ले और कॉलोनियां बनते चले गए, परंतु पिन कोड आज भी 6 अंकों का ही है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना जो राय है हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।